सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी वी टी आर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीदरलैंड्स टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ये इस सीरीज का मतलब थ्री ओडीआई का सीरीज है दोस्तों, और ये सीरीज का तीसरा मैच है दोस्तों, जो कि खेला जाएगा जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच में। और ये खेला जाएगा ऑन ग्राउंड ऑफ हरारिया स्पोर्ट्स क्लब हरारे में, और इसका लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समय के अनुसार 12:45 PM से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप बन रहे हैं हमारे साथ। आगे के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस मैच का फुल प्रूफ एनालिसिस, जो कि होगा प्री मैच एनालिसिस, और साथ ही साथ दोस्तों हम नजर डालेंगे आखिर कौन सी टीम इस मैच को विन कर सकती है और कौन सी टीम लॉस। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्बाब्वे के बारे में। तो सिकंदर रजा है हाईएस्ट ऑफ रन स्कोर, और ये फान स्ट्राइकर है दोस्तों अपनी टीम की तरफ से, और डोमिनेट करेंगे नीदरलैंड्स को। और वहीं टॉप विकेट टेकर के बारे में बात करें तो ब्राड इवांस हैं, टॉप विकेट टेकर बहुत ही बढ़िया बॉलर रही है दोस्तों, और पिछले 10 मैचों में इन्होंने 10 विकेट चटकाया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। वहीं अगर नीदरलैंड्स के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो स्कॉट एडवर्ड्स हैं टॉप रन स्कोर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की अपनी टीम की तरफ से, और पिछले 10 मैचों में इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 425 रन बनाए। वहीं अगर टॉप विकेट टेकर के बारे में बात करें दोस्तों, तो सारिज अहमद हैं टॉप विकेट टेकर, और पिछले 4 मैचों में इन्होंने 8 विकेट चार्ज कराए हैं, 4.40 के इकोनॉमिक रेट के साथ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। अब दोस्तों बात करते हैं पीजी रिपोर्ट के बारे में। तो हरारिया स्पोर्ट्स क्लब के स्टेडियम के मैदान पर टॉस के बाद सबसे पहले बैटिंग करना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक इस पिच पर ओडीआई के टोटल 2 मुकाबले खेले गए हैं 2023 के, जिनमें से फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम ने 1 में विन किया, और वहीं फर्स्ट में बॉलिंग करने वाली टीम ने 1 में विन किया। अगर इस पिच पर एवरेज स्कोर के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो 260 रन है फर्स्ट इनिंग्स का, और वहीं 270 रन है सेकेंड इनिंग्स का। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर चेस करना बहुत ही आसान है, काफ़ी बढ़िया ये मैच होने वाला है दोस्तों आज का। और अगर हम बात करें इस मैच का एक्सपेक्टेड स्कोर के बारे में, तो 265 से 270 तक का स्कोर कर सकते हैं दोस्तों इस पिच पर, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग करना बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर बनते हैं दोस्तों, लंबे लंबे शॉट देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों बॉलिंग के बारे में, तो फास्टर बॉलर को बहुत ही अच्छा मदद मिल सकता है, और साथ ही साथ स्पिनर्स की टर्न को भी फेवर देने वाला ये पिच। अगर हम बात करें दोस्तों बैटिंग के बारे में, तो बैट्समैन को शॉट खेलने में काफ़ी आसानी होती है, और बाद में बैटिंग करने वाली टीम को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है शॉट खेलना और शॉट मारना बहुत ही काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों। अगर देखा जाए तो दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट इसमें दोनों टीमों के प्लेयर्स काफ़ी अच्छे लगे मैच, लेकिन दोस्तों अब देखना ही होगा आखिर कौन सी टीम इस मैच को विन कर सकती है। तो अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड को देखते हुए हम बात करें, तो जिम्बाब्वे फाइनल विन टीम हो सकती है दोस्तों हमारे क्रिकेट प्रेडिक्शन की तरफ से। वैसे आप लोग को क्या लगता है आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेवर अपडेट के साथ, तब तक के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।